लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव अभी आने को है, उससे पहले ही बिना फोटो वाले 57,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर निकल गया है। जाहिर है ऐसे वोटर आगामी चुनाव में मतदान से वंचित रह सकते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका ऐसे मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रही है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से मदद का आह्वान किया है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप मतदाता है और आपके पास फोटो आईडी नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले मनपा चुनाव में यदि आपके वोटर आईडी में फोटो नहीं है तो आप मतदान से वंचित रह सकते हैं। जी हां, नवी मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे 57,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है जिसके पहचान पत्र में फोटो नहीं है। फिलहाल महानगर पालिका मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत वोटर अपने इलाके में मतदाता सूची में नाम सुधार और आईडी में फोटो शामिल करा सकते हैं। जी हां, मनपा के इस अभियान का मकसद उन सभी मतदाताओं को वोटिंग का मौका देना है जो तकनीकी खामियों के कारण मतदान से वंचित रह जाते हैं। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने इसके लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को BLA बनाने का आह्वान किया, जो प्रतिदिन 10 वोटरों को फोटो आईडी बनाने और मतदाता सूची दुरुस्त कराने में मदद करेंगे। आयुक्त ने कहा कि 5 जनवरी से पहले नवी मुंबई मतदाता सूची जाहिर होगी जिसका इस्तेमाल आगामी मनपा चुनाव में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।